हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज हम ईवीएस में यूनिट 2 अ स्नेक चार्मर स्टोरी देखने वाले हैं। इस यूनिट में हम स्नेक्स और स्नेक चार्मर्स के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। यूनिट के स्टार्ट में एक स्नेक चार्मर अपनी बात कहना चाहता है, तो चलिए उसे सुन लेते हैं। आई एम आर्यनाथ, आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नॉन ऑफ यू कैन डू। डू यू नो वॉट आई कैन प्ले द बीन? यू मस्ट बी सरप्राइज। यस, I can make snake dance by playing the bean. I have learned this art from my family members. We people are known as Kalbilias. यहाँ पे आर्यनाथ नाम का एक snake charmer है, वो अपनी कहानी सुना रहा है। वो कुछ कर सकता है वो जो हम नहीं कर सकते। क्या कर सकता है? वो बीन बजा सकता है और बीन बजा के वो स्नेक को, सांपों को डांस करवा सकता है। और ये कला उसको अपनी फैमिली से पीढ़ी दर पीढ़ी मिली हुई है और इन सब फैमिलीज को कालबेलियास कहा जाता है। माय ग्रैंडफादर रोशननाथ जी वाज फेमस अमंग अवर पीपल। ही कुड इजीली कैच मैनी पॉइजनस स्नेक्स। ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट। कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स। यहाँ पे जो आर्यनाथ है वो अपने ग्रैंडफादर की बात कर रहे हैं। उन लोगों में उनके दादाजी काफी फेमस थे, क्योंकि उनके दादाजी किसी भी पॉइजनस स्नेक को आराम से पकड़ लेते थे। उन्होंने अपने जमाने की काफी बातें आर्यनाथ को सुनाई है, तो चलिए उनकी कहानी उनकी ही जुबानी सुनते हैं। दादाजी रिमेम्बर्स, फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर वी हैव ऑलवेज बीन सपेरास स्नेक चार्मर्स। Snakes have been an important part of our life. We used to move from village to village carrying our snakes into bamboo baskets. अभी दादाजी खुद याद कर रहे हैं कि उनके दादा और उनके दादा के दादा, पर दादा के जमाने से वो लोग विलेज टू विलेज मूव करते हैं और अपने पास एक बाम्बू बास्केट रखते हैं जिसके अंदर वो सांपों को रखते हैं। जो सांप होते हैं, जो स्नेक्स हैं, वो उनके लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। Whenever we stop in a village, a crowd would gather around us. We would then take our snakes from our baskets. जहाँ भी ये लोग जाते थे तो वहाँ पे क्राउड इकट्ठा हो जाती थी। उनको पता ही चल जाता था कि इसके पास जो बास्केट है उसके अंदर सांप है, और वो सांप देखने की एक्साइटमेंट जो होती है वो क्राउड को खींच लाती है और वो लोग हमेशा क्राउड से घिरे रहते हैं। इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन। दे न्यू दैट इन अवर टिन बॉक्स देयर वर मैनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन फॉर देम। वी मेड दिस मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। I had learnt all this from my grandfather. I felt nice that I could help people with my medicines even if doctors and hospitals were far off. In return, people would give us some money or food grains. In this way, we could manage our life. वो कौन सा शो करते थे, बास्केट खोलते थे, वहां से उसमें से सांप को निकालते थे और बीन बजा के सांप को डांस कराते थे, और ये सब देखने में पीपल को बहुत ही मजा आता था। कुछ देर बाद वो सांप को अपने बास्केट में दोबारा वापस अंदर रख देते थे। तो भी क्राउड में से ज्यादातर लोग वापस नहीं जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि अभी वो दूसरा टिन बॉक्स खोलेगा जिसमें उनके लिए काफी अलग अलग टाइप की बीमारी के लिए दवाएं होगी। ये जो मेडिसिन है वो फॉरेस्ट में से, अलग अलग प्लांट्स में से वो लोग बनाते हैं, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी उनके दादा ने उनको सिखाया हुआ होता है। इन मेडिसिन्स के बदले में पीपल उनको कुछ पैसे देते थे या फिर फूड ग्रेन्स, खाने की कोई चीजें देते थे जिससे उनका गुजारा चल रहा था। टाइम्स आई वाज कॉल्ड टू प्लेसेस वेयर समवन हैड बीन बीटन बाय अ स्नेक। फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट आई ट्राइड टू फाइंड आउट विच स्नेक हैड बीटन द पर्सन। आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट, बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प। As you know, some snake bites can even cause death on the spot, but most of the snakes are not poisonous. कभी कभार सपेरों को जब सांप ने काट लिया होता है तब बुलाया जाता है, उसका जहर उतारने के लिए उनको याद किया जाता है, लेकिन हर बार वो टाइम पे पहुंच नहीं सकता। काफी सेक्स तो इतने पॉइजनस होते हैं कि उनको काटने पर ऑन द स्पॉट तुरंत ही व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, लेकिन ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। जहां तक मैं जानता हूँ, सांपों की इतनी प्रकृति नहीं रहती कि वो इंसानों को ढूंढते रहे और उनको काटते रहे। सांप जो रहते हैं वो अपने खाने की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं और अपनी सेफ प्लेस पे वहां पे रहते हैं। अगर हम गलती से या फिर जानबूझ के उनके आसपास से गुजरते हैं या फिर हम उनको कुछ हार्म करने की कोशिश करते हैं, तभी वो हमको काटते हैं।
यानी कि वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हमको काटते हैं। इसीलिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब भी आपको सांप दिखाई दे उससे दूर रहिए, उनको मार मत देना। और अगर आपको कहीं पे भी सांप दिखाई दे तो किसी एनिमल कंट्रोल को फोन कीजिएगा। हमारे पास एक नंबर ऐसा तो होना ही चाहिए जो सांपों को पकड़ता हो, आप उसको कॉल कर दीजिएगा, वो आ जाएगा और वो सांप को लेके चला जाएगा और किसी को किसी प्रकार का हार्म नहीं होगा। Sometimes when some farmers would come running for help shouting snake snake I would catch that snake. After all catching snake was something I had been doing since my childhood. अगर कोई farmers चिल्लाते चिल्लाते आएंगे कि भागो सांप है सांप है, तभी वो जाएगा और उस सांप को पकड़ लेगा। वो ये चीज आसानी से कर लेता है क्योंकि वो बचपन से उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, वो उस काम में काफी एक्सपर्ट हो चुका होता है। आपको ये कोशिश कभी भी नहीं करनी है। और खास करके ऐसे YouTube पे कुछ वीडियो देख लिया और आपको लग गया कि आप सांपों को आराम से पकड़ सकते हो, तो ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। ओह दोज वेर गुड डेज, वी वुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मेनी वेज, वी ऑल्सो एंटरटेन्ड देम। It was not like today when everyone watches TV for entertainment. दादाजी याद करते हैं कि यार वो भी क्या दिन थे जब हम लोगों की मदद किया करते थे और उनके बदले में उनको कुछ पैसे मिलते थे, खाने की चीजें मिलती थी और उनका गुजारा अच्छे से चल रहा होता है। उस समय में टेलीविजन तो था ही नहीं। आज की दुनिया तो ज्यादातर हमें टेलीविजन और सबसे ज्यादा मोबाइल फोन में घुसी हुई मिलेगी। When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth. Thanks. He also taught me how to close the tube of poison in snake's mouth. जो स्नेक होते हैं उनके आगे के जो दांत होते हैं वो हॉलो होते हैं, उनके अंदर से जहर पॉइजन यानी कि वेनम आता है। जब भी वो हमें बाइट करते हैं तो उनके टीथ में से जो वेनम है वो हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाता है और धीरे धीरे हमारे बॉडी सेल्स को किल करता है और इस तरह वो पर्सन या फिर वो एनिमल की डेथ हो जाती है। शरणार्थी जी जब बड़े हुए तब उनके फादर ने स्नेक्स के दांत निकालना उनको सिखाया था और उनकी जो दांतों के पीछे एक थैली होती है उसके अंदर जहर बनता रहता है, तो उस थैली को बंद करने की कला भी उन्होंने सिखाई थी। मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ कि सांपों का जहर कैसे निकाला जाता है। आप देख सकते हैं एक जार पे ऐसे कुछ कापड़ रख के सांपों को टीथ उसमें घुसा के ऊपर से हल्का सा प्रेस किया जाता है, उसके कारण उसकी के माउथ में जो ट्यूब होती है वो दबती है और जितना भी वेनम है वो उसके दांतों के जरिए वहाँ पे जार में चला जाता है। इस तरह से हम सांपों में से जहर निकाल सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस पे है, आपको खुद से ये ट्राई बिल्कुल ही नहीं करना। अभी आप सोचोगे कि भाई इतना ही डेंजरस काम है तो ये वेनम निकालने की जरूरत क्या है, तो पहली बात को ये बोल दूं कि जब कोई सांप आपको काटता है उसकी जो दवा है उसको बनाने के लिए भी इस वेनम का प्रयोग किया जाता है। ऐसे काफी सारे रोग हैं, ऐसी काफी दवाएं हैं जिनके क्योर के लिए इस वेनम का भी उपयोग किया जाता है। थिंक एंड टेल, हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन वेयर, आपको बताना है कि आपने कहीं पे भी किसी को बीन बजाते हुए देखा है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि स्नेक चार्मर्स आजकल कहीं पे भी नहीं दिखाई देते हैं। मैंने तो अपनी लाइफ टाइम में एक भी स्नेक चार्मर्स नहीं देखा, तो मैं यहाँ पे आंसर दूंगा नो। और अगर देखा भी होगा तो किसी मूवी में या फिर यूट्यूब पे मैंने उसको देखा होगा। Have you ever seen a snake? Where? क्या आपने कहीं पे भी स्नेक को देखा है और कहाँ? याद करूँ तो जब हमारा घर बन रहा था और उसके जो बेस के लिए खुदाई हो रही थी तब मैंने स्नेक्स को देखा था। हमारा घर बनाने के लिए जब खुदाई चल रही थी तो वहाँ पे सांप निकले थे क्योंकि वहाँ पे उनका घर था, तो अल्टीमेटली हमने उनके घर को बर्बाद करके अपना घर वहाँ पे बना दिया था। Were you scared by it? Why? क्या आपको उनको देख के डर लगा था और क्यों? तो हाँ, सांपों को देख के अक्सर लोग डर ही जाते हैं और वो डर का कारण है उनका जहर। उनका जहर ऑन द स्पॉट किसी भी व्यक्ति या फिर एनिमल को मार सकता है। डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस, क्या आप मानते हैं कि सभी स्नेक पॉइजनस होते हैं? तो नहीं, इसी चैप्टर में हमने देखा है कि सारे स्नेक पॉइजनस नहीं होते। चैप्टर 1 यू रेड दैट स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स व्हिच यू कैन सी, कैन द स्नेक हियर द बीन और डज इट डांस व्हेन बीन मूव्स, व्हाट डू यू थिंक?
तो ये चीज मैंने चैप्टर वन में भी डिस्कस किया है कि सांपों के कान तो होते ही नहीं, अगर कान नहीं होते तो वो सुनते नहीं है, तो जब बीन बजती है तो वो बीन की तरफ क्यों देखते हैं, तो इसका कारण है वाइब्रेशन। आप जब किसी शादी में जाते हो और वहां पे डीजे की धुन पे डांस करते हो, तब जब डीजे वाला बाबू अपना गाना बजाता है जोर जोर से, तब वो स्पीकर्स में वाइब्रेशन होता है, ये वाइब्रेशन आप खुद ही महसूस करते हो। इसी तरह स्नेक जो होते हैं वो हल्के से हल्के वाइब्रेशन भी महसूस कर सकते हैं। अभी जो बीन है जब वो बजती है तो बीन के अंदर भी वाइब्रेशन पैदा होते हैं और इन्हीं वाइब्रेशन की ओर स्नेक अपना मुंह करता है। अगर बीन को हम लेफ्ट और राइट करेंगे तो स्नेक भी अपना मुंह लेफ्ट और राइट करेगा और हमको ऐसा लगेगा कि स्नेक है डांस कर रहा है। तो बच्चों आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक देखते रहे एजुटेक प्लस। थैंक यू।